Good morning class. This is our new pharmacology class in which today we will start our new unit of pharmacology, and the topic which we are going to start is alternative drug system or alternative system of medicine. देखिए अभी तक जो हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, यूनिट्स पढ़ी हैं, वो सारी एलोपैथिक मेडिसन्स के ऊपर बेस्ड थी. पर आप जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ एक और एलोपैथिक सिस्टम ही नहीं है किसी चीज़ को ट्रीट करने के लिए, और भी कई सिस्टम्स हैं. आयुष डिपार्टमेंट है हमारे पास, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं. तो वो कौन से सिस्टम्स हैं उनको हम आज पढ़ रहे हैं. तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव वेज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर एलोपैथी के अलावा ट्रीटमेंट देने के लिए. ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर हम दूसरी अलग अलग हीलिंग अप्रोचेस पढ़ रहे हैं, थेरेपीज पढ़ते हैं जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों से ऑरिजिनेट हुई है. ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में वो थेरेपीज और हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस आ रही होती हैं जो एलोपैथी के अलावा हैं. हालांकि बहुत सारी प्रैक्टिसेस, इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है वो बहुत पॉपुलर भी हैं. हॉस्पिटल पेशेंट के लिए भी वो यूज़ की जा रही हैं, और वो क्रॉनिक कंडीशंस के लिए ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में आजकल काफ़ी प्रेफर की जाती है, जैसे कि बैक पेन, स्ट्रेस, माइग्रेन, हेडेक, मीनोपॉजल सिम्टम्स, कैंसर और आर्थराइटिस में भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान माना जा रहा है. अब डेफिनेशन क्या है भाई? ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वो इंटरवेंशन है जो कि कन्वेंशनल बायोमेडिकल ट्रीटमेंट से अलग है. डिजीज़ को जो हम कन्वेंशनल, जो परंपरागत जो चलती आ रही हैं बायोमेडिकल ट्रीटमेंट, उनसे अलग जो इंटरवेंशन है उसको अपन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कह रहे हैं. इसकी दूसरी डेफिनेशन, ये वो पैथीज़ हैं जो कि वाइडली यूज़ किए जाती हैं डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए नेचुरल वे में, एलोपैथी से अलग हट करके हम नेचुरल वे में डिजीज़ को ठीक कर रहे हैं, इसको अपन ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं. अब पॉपुलर हेल्थ ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के टाइप्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं? तो मैंने जैसे बताया भाई, आयुष, आयुर्वेदिक, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी. ये आयुष, AYUSH, आयुर्वेदी, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, जिसमें सबसे पहले आयुर्वेदा. ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है मेडिसिन का जो एंशियंट इंडिया के अंदर, पुराने इंडिया में ये ऑरिजिनेट हुआ था. आयुर्वेदा शब्द संस्कृत वर्ड आयु से लिया गया है, जिसका मतलब है रिलेशन ऑफ बॉडी, सेंस, माइंड एंड सोल. बॉडी से, सेंस से, दिमाग से, आत्मा से रिलेशन को हम आयु कह रहे हैं, इसलिए आयुर्वेदा का मतलब है लाइफ साइंस. आयुर्वेद का ओरिजिनल एंशियंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन से इंडिया में हुआ था. वेदा के अंदर 5000 BC के वेदा के अंदर इसके डॉक्यूमेंट्स हमारे को मिल रहे हैं. वर्ड आयुर्वेदा, आयु और वेदा वर्ड है जिसका मतलब है साइंस ऑफ लाइफ या लाइफ साइंस. आयुर्वेदा का यूज़ किया जाता है या जाता आ रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर. हमने चाहे पढ़ी ना हो ये मेडिसिन, फिर भी हमारे को पता होती है कि भाई हल्दी एंटीबायोटिक है, जो टर्मरिक एंटीबायोटिक है, एंटी पायरेटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, पेन किलर है, एनाल्जेसिक जैसे भी काम करे. तो अलग अलग इसके रोल्स हमारे किसने बताए हैं? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम सुनते आ रहे हैं. चाय बनाते समय उसके अंदर हम तुलसी का यूज़ कर रहे हैं, काली मिर्च, लौंग का यूज़ कर रहे हैं, इलायची का, अदरक का यूज़ कर रहे हैं. ये सब चीज़ें हमने बुक्स में नहीं पढ़ी हैं, हमें जनरेशन से पता चल रही हैं. ओल्डेस्ट हीलिंग साइंस जो एग्जिस्ट कर रही है, पूरे सिस्टम जो एमर्ज हो रहा है, वो वही चीज़ों से हमें ये चीज़ पता चल रही है. ये ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम है मेडिसिन का. आयुर्वेद की डेफिनेशन क्या है? ये वो साइंस है जो कि डील कर रही है ना केवल कुछ डिजीज़ के ट्रीटमेंट से, बल्कि ये पूरे लाइफ को ही जो है वो संपूर्ण कंप्लीट वे ऑफ लाइफ को ही ट्रीट कर रही है, हील करने का काम कर रही होती है.
प्रिंसिपल क्या है आयुर्वेदाज फंडामेंटल अप्रोच टू वेल बीइंग इज दैट यू मस्ट रीच योर यूनिक स्टेट ऑफ बैलेंस. आप पूरे बैलेंस की स्टेट में पहुंच जाए, ये आयुर्वेद की फंडामेंटल अप्रोच है, बेसिक अप्रोच है कि संपूर्ण शरीर माइंड और स्पिरिट जो है वो ठीक हो जाए आपकी. आयुर्वेदा के जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके व्यूज़ हैं कि तीन चीज़ों के ऊपर वर्क करे, वात पित्त और कफ के ऊपर. तीन इसके मेन प्रिंसिपल्स हैं, वात पित्त कफ. ये कह रहे हैं कि बस जो शरीर में जो बीमारी होती है वो इन्हीं त्रिदोषों की वजह से होती है. अगर इन त्रिदोषों को दूर कर दो पूरा शरीर ठीक हो जाता है. ये त्रिदोष माने गए हैं हमारे शरीर के अंदर, वात पित्त और कफ. और सारी बीमारियाँ इन्हीं तीन दोषों के इर्द गिर्द घूम रही हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, ब्रेन डिसऑर्डर हो, कार्डियक डिसऑर्डर हो, रीनल डिसऑर्डर हो, किसी भी तरह का डिसऑर्डर हो, वो इन्हीं तीन चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही हैं. ये वात पित्त और कफ कहाँ कहाँ से कैसे जुड़े हुए हैं वो दिखाया गया है. त्रिदोष इनको कहा गया है. डायग्नोस कैसे किया जाता है, हिस्ट्री टेकिंग की जाती है पर्सन की, इसके अंदर पल्स चेक की जाती है, यूरिन देखा जाता है, फीसेस वो पूछ रहे होते भाई स्टूल पास हो रहा है क्या, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे स्टूल पास हो रहा है, यूरिन कैसे पास हो रहा है. जीभ की जांच करते हैं, वो जीभ बाहर निकाल देखते हैं उसका रंग कैसा है. आँखों की जांच, उसका रंग कैसा है, उसकी रोशनी कैसी, ये सब चीज़ें देखी जाती है. इस तरह से आयुर्वेद वाले डायग्नोस करते हैं. ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज होता है भाई, इंडिविजुअल के बेस पर ये ट्रीटमेंट देते हैं. इसमें ना केवल डिजीज़ को डायग्नोस किया जाता है बल्कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड की जाती है. और कुछ फैक्टर्स की भी स्टडी की, भाई पर्सन की एज क्या है, सेक्स क्या है, उसका बॉडी टेम्परेचर कैसा है. मतलब इसके अंदर ट्रीटमेंट सेक्स के बेसिस पर भी होता है, मेल और फीमेल के अलग होता है. जबकि एलोपैथी में अपन ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि सेक्स के बेसिस पर अपन ट्रीटमेंट दे रहे हैं. एज तो हालांकि उसमें भी रोल प्ले करे पर सेक्स ज़्यादा रोल नहीं प्ले करता, पर आयुर्वेद में करता है. टेम्परेचर देखा जाता है, उसको नींद आ रही या नहीं आ रही, वो कितना आराम करता है, उसका वर्क पैटर्न कैसा है कि भाई बहुत मॉडरेट वर्क पैटर्न है, मजदूर है, स्टूडेंट है, कैसा वर्क पैटर्न है, डाइट कैसे ले रहा है, मेटाबॉलिक फायर अग्नि उसके अंदर जो जठराग्नि है वो कैसी है, ये देखा जाता है. ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्रिवेंटिव क्यूरेटिव मेजर्स, रोकथाम और बचाव के उपाय ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर पर्सनल हाइजीन का, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, जबकि क्यूरेटिव मेजर्स के अंदर औषधि दी जाती है जिसको अपन ड्रग्स कहते हैं या आना कहते हैं, प्लस डाइट, विहार मतलब एक्सरसाइज, और लाइफ में जनरल मूड का भी रोल होता है. तो इसके लिए भी वो कहते हैं इसको भी ठीक रखिए आप. तो औषधि में, क्यूरेटिव मेजर्स में औषधि, आना और विहार, इन तीन का रोल है. प्रिवेंटिव मेजर्स में पर्सनल हाइजीन का, क्यूरेटिव मेजर्स में औषधि, आना और विहार का रोल है. अब प्रैक्टिस और ड्रग स्टैंडर्ड्स देखिए भाई, आयुर्वेद काफ़ी पॉपुलर है अधिकतर स्टेट्स में हमारे इंडिया के, स्पेशली जैसे केरला में, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सारे स्टेट्स के अंदर तो आयुर्वेदिक मेडिसिंस का काफ़ी यूज़ किया जाता है. मेनली ये डील कर रही है विद प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, GIT, इंटेग्यूमेंट्री, म्यूकोसोस्केलेटल सिस्टम, इन सभी सिस्टम्स की काफ़ी अच्छी मेडिसिंस जो है वो इस आयुर्वेदा के अंदर मिल रही होती है. यहाँ तक कि कुछ वेदास में तो कैंसर और एड्स के ट्रीटमेंट के साथ में भी डील किया जा रहा होता है. आयुर्वेदिक ड्रग्स जो हैं वो रॉ ड्रग के रूप में और मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स दोनों रूप में अवेलेबल हैं. 5,000 से ज़्यादा लाइसेंस्ड फार्मेसीज हैं, 13 गवर्नमेंट असिस्टेड फार्मेसीज हैं जो कि आयुर्वेदिक ड्रग्स का मैन्युफैक्चर कर रही हैं. रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, लेबोरेटरीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ड्रग्स के स्टैंडर्ड के ऊपर वर्क कर रही हैं. तो ये आयुर्वेद ख़त्म. और अभी रिसेंट में आयुर्वेद से जुड़ी कौन सी मेडिसिन आई है भाई, बाबा रामदेव जो कोरोना के लिए लेकर के आए हैं. सुनिए ना, आप सब ने काफ़ी बवाल भी मचा था उसके ऊपर. नेक्स्ट पद्धति है आयुष के अंदर आयुर्वेदा के बाद योगा, वाई से योगा. योगा एक साइंस है जो कि बॉडी और माइंड को कोऑर्डिनेट करती है बहुत इफेक्टिवली. ये कह रहे हैं कि बॉडी और माइंड साथ में रहना चाहिए, ऐसा नहीं आपका माइंड कहीं और बॉडी कहीं और वर्क करे जा रही है, ये नहीं होना चाहिए. दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ये मेंटल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ सब को प्रमोट करती है. ये इसके अलावा हेल्प कर रही है बहुत सारी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स
को प्रिवेंट करने और क्योर करने के लिए भी, साइकिक और फिजिकल डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने पे इसका रोल होता है। इसका ओरिजिन वेदा में दिया गया है, ओल्डेस्ट इंडिया में 4000 BC के अंदर इसका वर्णन मिलता है। सिस्टमैटिकली पतंजलि योगा सूत्र जो है वो 120वीं सदी के अंदर आया था, उसमें ये बताया गया था। डेफिनेशन योगा सूत्र, पतंजलि का जो योगा सूत्र है वो ये कहता है कि योगा एक रीस्ट्रेन है हमारी माइंड की एक्टिविटीज़ को, रीस्ट्रेन्स करता है, योगा इज़ अ रीस्ट्रेन्स ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द माइंड। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, ये फिजिकल पॉस्चर को मेंटेन करना सिखाता है, सीधे खड़े होना है, सीधे बैठना है, इधर नहीं झुकना, उधर नहीं झुकना, गलत पॉस्चर नहीं बना के रखना, क्योंकि हमारे जो अधिकतर बीमारियां हैं हड्डियों की, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम वगैरह की, वो गलत पॉस्चर की वजह से हो रहा था। बीपी में हमने कई बार पढ़ा है ना, पॉस्चरल हाइपोटेंशन हो जाता, तो पॉस्चर बिगड़ने से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही है। तो ये कहता है पॉस्चर को ठीक रखो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर वर्क करते हैं, अनुलोम विलोम के ऊपर के ब्रीदिंग, क्योंकि भई हमारे अधिक जो टिश्यू डैमेज हो रहा होता है, नेक्रोसिस हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हाइपोक्सिया की वजह से। हाइपोक्सिया क्या, डेफिशिएंसी ऑक्सीजन के, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कह रहे हैं कि प्रॉपर ऑक्सीजन लीजिए ताकि आपके सभी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को, सिस्टम्स को, टिश्यूज़ को, सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले तो वो अच्छे से अपना वर्क कर पाएँ। तो इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसमें करवाई जाती हैं। रीस्ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑफ ऑर्गन्स, जो आपके सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, टंग, स्किन, आई, नोज, इन सबको रीस्ट्रेन करने पर वर्क किया जाता है। लाइफ के सभी स्फेयर्स को रीस्ट्रेन किया जाता है, कंटेम्पलेशन पे, मेडिटेशन पे, समाधि जैसी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इस योगा के क्या फ़ायदे हैं, ऑलराउंड फिटनेस देती है आपको, मसल स्ट्रेंथ बनाती है, बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी, आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है, ब्लड फ्लो बढ़ा देती है आपके अंदर। तो ब्लड फ्लो तो इसी में नहीं होगा, हाइपोक्सिया नहीं होएगा भाई, बहुत सारे टिश्यू डैमेज बच जाएंगे। बीपी कम करवा रही होती है, अगर किसी का बीपी बढ़ गया तो योगा से आप कम कर सकते हो। आपकी स्पाइन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, भाई आज के ज़माने में कितनी ज़्यादा ये स्पाइन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे स्लिप डिस्क आपने सुना है, तो उसका भी काफ़ी योगा के थ्रू हम उसको काफ़ी ठीक कर सकते हैं। वेट लॉस करवाने में योगा बहुत यूज़फुल है, और आप जानते हो ओबेसिटी तो सभी बीमारियों घर है, तो ये वेट लॉस पे ध्यान दे रही है। स्ट्रेस रिलीफ कर रही है, आजकल मेजॉरिटी ऑफ जो डिजीज़ है ये भागती दौड़ती ज़िंदगी, स्ट्रेसफुल ज़िंदगी की वजह से तो हो रही है। ये मेट्रो सिटीज़ के अंदर सिर्फ भागते दौड़ते रहना, काम काम और काम, दुनिया भर के टेंशन, जो सुशांत का केस आया था वो और क्या था, ये स्ट्रेसफुल लाइफ का ही तो केस था। तो स्ट्रेस रिलीफ के ऊपर ध्यान दे रही होती है, फोकस में हेल्प करती है, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या किसी भी तरह काम के लिए फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रही है, तो आज ये कोरोना फैल रहा है तो कोरोना में और क्या, अभी तक मेडिसिन तो आई कहाँ पे है, वो यही तो कर रही है कि भाई इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाए तो कोरोना नहीं होगा। डीपर स्लिप में हेल्प करते, भाई गहरी नींद आप ले सकें, आज के ज़माने में गहरी नींद आना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। इनर पीस, अंदर से शांति मिले, जब तक अंदर से शांति नहीं होगी तो बाहर आप कितनी भी कोशिशें कर लें आप खुश नहीं रह सकते। इम्प्रूवमेंट इन पर्सनल सोशल बिहेवियर, बिहेवियर में भी इम्प्रूवमेंट ला देती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट करने में हेल्पफुल है ये योगा साइंस। नेक्स्ट आयुष में यूनानी आता है, यूनानी पद्धति, यूनानी सिस्टम जो मेडिसिन का है वो बहुत ही लॉन्ग और इम्प्रेसिव रिकॉर्ड रखता है इंडिया के अंदर। इंडिया में अरब से ये इंट्रोड्यूस हुआ था थोड़ा बहुत 11th century के आसपास। आज के समय में इंडिया में ये बहुत ही बड़ा लीडिंग कंट्री इंडिया माना जाता है सो फार एज प्रैक्टिस ऑफ यूनानी मेडिसिन इज कंसर्न, जहाँ पे यूनानी का बहुत अच्छा, यूनानी मेडिसिन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ये एक काफ़ी बड़ा हब बन चुका है। इसका ओरिजिन, यूनानी सिस्टम का ओरिजिन जो है वो ग्रीस में हुआ था क्राइस्ट से पहले, हिपोक्रेट्स में 337 से 460 BC में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में लगभग 11th century के आसपास अरब से। हालांकि ये सिस्टम ग्रीस से ओरिजिनेट हुआ था, पर आजकल वेरियस कंट्रीज़ में इसका यूज़ हो रहा है, जैसे अरेबिया, ईरान, चाइना और इंडिया के अंदर। इसमें हिपोक्रेट्स में हार्मोन थ्योरी दी गई थी, ब्लड फ्लज्म, येलो बाइल, ब्लैक बाइल की, चार ये हार्मोन थ्योरी थी हिपोक्रेट्स की। हार्मोन्स जो है वो टेम्परेचर असाइंड, आर असाइंड टेम्परेचर, दैट इज़ ब्लड इज़ हॉट एंड मॉइस्ट, भाई ये टेम्परेचर बता रहा होता है हार्मोन जो है हमारे
टेम्परेचर बता रहे हैं कि ब्लड जो होता है वो गर्म और मॉइस्ट होता है, फ्लज्म जो है वो कोल्ड और मॉइस्ट होता है, येलो बाइल जो है वो हॉट और ड्राई होता है, ब्लैक बाइल कोल्ड और ड्राई होता है, और एज लॉन्ग एज हॉर्मोन आर इन बैलेंस, भाई ये हॉर्मोन जो हमारे बैलेंस स्टेट में रहते हैं, इंडिविजुअल हेल्दी रहेगा अगर ये बैलेंस रहेंगे, और अगर कोई भी इम्बैलेंस आ जाता है, कोई डिस्टरबेंस आ जाता है इन हॉर्मोन्स में, तो वो डिजीज़ के रूप में दिखाई देता है, ऐसा यूनानी पद्धति कहती है। डायग्नोस ये लोग कैसे करते हैं? पल्स को फील करके, यूरिन के ऑब्जर्वेशन से, स्टूल, स्किन के कलर के बेस पे, गाइट वगैरह के बेसिस पर। ट्रीटमेंट कंप्राइज थ्री कॉम्पोनेंट्स, नेमली प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव, ये तीन इसके कॉम्पोनेंट्स हैं ट्रीटमेंट के। जैसे ट्रीटमेंट में हमने कहा तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, तो ट्रीटमेंट जो इन्हीं तीन फॉर्म्स में किया जाता है, जैसे फार्मेसी थेरेपी, डाइट थेरेपी, मेन इस पे ध्यान देते हैं, इसके अलावा रेजिमेंटल थेरेपी और सर्जरी। फार्मेसी थेरेपी जो है वो नेचुरल ड्रग बनाई जाती है, उसके अंदर मेनली जो हर्बल ड्रग्स होती हैं, पर इसमें एनिमल्स, मिनरल्स और मैराइन ड्रग्स भी काम में ली जाती हैं। रेजिमेंटल थेरेपी के अंदर ये यूनानी सिस्टम की स्पेशलिटी है, इसमें 12 मेथड्स हैं स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ के लिए, जिसमें क्यूपिंग, लीचिंग वगैरह इन्वॉल्व किए जाते हैं। ये क्यूपिंग का सिस्टम बताया गया है, ऐसे कप्स के मेथड से। ये देखिए, ये अनियन दिखाया गया है जिसके ऊपर कप्स, इसको कपिंग सिस्टम या क्यूपिंग सिस्टम, वैसे कपिंग सिस्टम कहा जाता है, ऐसे रख करके इसको प्रिपेयर किया जाता है बॉडी के ऊपर, देखिए ये रखा गया है, और अलग कप्स इसके ऊपर रख दिए गए हैं। ये लीचिंग सिस्टम्स है, लीच का यूज़ करके टॉक्सन्स को रिमूव किया जाता है बॉडी से, ये मेन इसकी चीज़ें हैं। हेल्थ के प्रमोशन और प्रिवेंशन के लिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो इम्फाइसिस करता है ऑन डेवलपिंग डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, के बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप करो, तो उसके लिए छह एसेंशियल चीज़ें हैं। एक्सरसाइज पे ध्यान दो, रेस्ट और स्लीप पे ध्यान दो, साइकिक मूवमेंट्स के ऊपर, स्लिप के ऊपर, वेकफुलनेस जागृत अवस्था में, इवैक्यूएशन पेट पूरी तरह से खाली होना चाहिए, और रिटेंशन, ये चीज़ें मेन है। नेक्स्ट है सिद्धा। सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंशियंट साइंस में आया था, ये ड्रेविडियन द्रविड्स कल्चर में, इसको ये द्रविडियन कल्चर को बिलोंग कर रहा था, द्रविड्स इसको लेकर के आए थे, राहुल द्रविड़ का नाम सुना है ना आपने, तो वही द्रविडियन कल्चर है, उसको ये बिलोंग करता है। ये यूज़फुल है गुड हेल्थ को मेंटेन और रिस्टोर करने के लिए। सिद्धा सिस्टम में टोटल 4,448 डिजीज़ के सिम्टम्स और उसके क्योर बताए गए हैं। थाउजेंड्स ऑफ हर्ब्स और मिनरल्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं सिद्धा सिस्टम में, जो कि अच्छी और इजीली मैनेज कर देते हैं क्रॉनिक से लेकर डिजेनरेटिव डिजीज़ को, और वायरल से लेकर कार्डियक डिजीज़ को। इसका ओरिजिनल जो है वो ट्रेस किया गया था माइथोलॉजिकली सोर्स से, जो कि शिवा ट्रेडिशन के ऊपर, भगवान शिव के ट्रेडिशन को बिलोंग कर रहा था, इसलिए नाम सिद्धा दिया गया था इसका। इस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो भगवान शिव हैं, वो मेडिसिन की नॉलेज को कन्वे कर रहे हैं पार्वती, माँ पार्वती जो उनकी पत्नी है, उनको उन्होंने ज्ञान दिया था। ये नॉलेज जो है वो पास हुई थी उनसे नंदी में, और फाइनली सिद्धा जो कम्युनिटी के लोग थे उनमें, उन तक पहुंची है। सिद्धा कम्युनिटी तमिलनाडु के अंदर इसमें लार्जली इसका प्रैक्टिस किया गया है। सिद्धा के प्रिंसिपल क्या है? इसका बेसिक प्रिंसिपल है इज दैट देयर इज़ एन इंटीमेट लिंक बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट। ये कह रहे हैं माँ, मनुष्य और पर्यावरण में बहुत बड़ा लिंक है। ह्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है उस पर कंसीडर किया गया था, हेल्थ पर और डिजीज़ के डिसबैलेंस के साथ में, कि भाई हेल्थ और उसमें डिसबैलेंस हो जाए तो डिजीज़ कॉज हो रही होती है अगर ह्यूमर नहीं सही रह रहा होता है। इसके प्रिंसिपल है वात पित्त और कफ, जो हमने आयुर्वेद में पढ़े थे। इसके एलिमेंट्स के अंदर ये पंच तत्व को मेन मान रहा होता है। पंच तत्व के अलावा भी, जैसे एक तो अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस और एयर, ये तो पंच तत्व, इसके अलावा ईथर जो गॉड से जोड़ा गया शब्द है, उनको ये मेन मान रहा होता है। फूड इसमें बेसिक बिल्डिंग मटेरियल है बॉडी का, ये कह रहे हैं
तीन दोष को मेन मान रहा है, सात धातु और तीन तरह के मल, तीन दोष सात धातु तीन तरह के मल के ऊपर ये उनके प्रोसेसिंग पे वर्क कर रहा है। ये कहते हैं ह्यूमर को इक्विलिब्रियम करो। द इक्विलिब्रियम ऑफ ह्यूमर इज कंसीडर्ड हेल्थ एंड इट्स मिसबैलेंस्ड इज डिजीज। ह्यूमर का इक्विलिब्रियम हेल्थ है और इसके मिसबैलेंस को अपन डिजीज कहते हैं। ये कह रहे हैं अगर ह्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो इसका मतलब आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक है, और अगर वो मिसबैलेंस हो गया तो वही डिजीज़ के रूप में दिखाई देगा। ये डायग्नोस करते हैं उसके कॉज को आइडेंटिफाई करके। ये कहते हैं पहले बताइए कि किस कारण से हुई, वो कारण का पता लगाएंगे। कॉजटिव फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं पल्स एग्जामिनेशन से, आँखों से, बॉडी के कलर से, टंग से, डाइजेस्ट सिस्टम का स्टेटस कैसा है पर्सन में, यूरिन और वॉइस की स्टडी करते हैं कि आवाज़ किस तरह से निकल रही है पर्सन की, उसके बेसिस पर ये डायग्नोस करते हैं। ट्रीटमेंट सभी पेशेंट के सभी डायग्नोस्टिक करैक्टर के बेस पर किया जाता है ट्रीटमेंट, जिसमें टेक्स इनटू अकाउंट अबाउट एनवायरमेंट क्या है, एज क्या है पर्सन की, सेक्स क्या है, रेस कैसी है, हैबिट कैसी है, डाइट क्या है, भूख कैसी लग रही है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैसी है पर्सन की, वैद्य हैज़ द नॉलेज ऑफ हर्ब्स, पहले तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। उसके अलावा जो वैद्य होते हैं इनमें उनको सभी तरह की जड़ी बूटियों की नॉलेज होती है और उन जड़ी बूटियों का इफेक्टिवनेस है, कैसी इफेक्टिव हैं, कितनी इफेक्टिव है उनको पता होता है। सिद्धा सिस्टम में एक्सटेंसिवली वेजिटेबल सोर्स या ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मिनरल ऑरिजिन से भी ड्रग बनाई जाती है, मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, जिंक, माइका, ये सब भी सिद्धा सिस्टम में मेडिसिन के सोर्स माने जा रहे होते हैं। लास्ट होम्योपैथी, आयुष का लास्ट एच होम्योपैथी के लिए। होम्योपैथी मेडिसिन का सिस्टम 1796 में क्रिएट किया गया था। इसका ओरिजिन 170 साल पहले थाउजेंड्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स ने 100 सालों से ज़्यादा समय लेते हुए इसका वर्क किया। 1796 में सैमुअल ने इसको क्रिएट किया था। डेफिनेशन होम्योपैथी हाईली साइंटिफिक, लॉजिकल, सेफ, क्विक और एक्सट्रीमली इफेक्टिव मेथड है हीलिंग का। इट ऑफर्स लॉन्ग लास्टिंग टू परमानेंट क्योर ट्रीटिंग द डिजीज फ्रॉम इट्स रूट। ये रूट से, जड़ से बीमारी को ख़त्म करती है, ट्रीट करती है। प्रिंसिपल होम्योपैथी सिस्टम का ट्रीटमेंट जो है वो कुछ लॉज और प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जैसे डायरेक्शन ऑफ क्योर, सिंगल रेमेडी लॉ। डायरेक्शन ऑफ क्योर का लॉ क्या कह रहा है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ क्योर स्टेट जो है दैट ड्यूरिंग क्योरेटिव प्रोसेस द सिम्टम्स डिसअपियर्स इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ इट्स अपियरेंस, कि जैसे जैसे सिम्टम दिखाए थे उसके उल्टे उल्टे वो गायब होने गायब होना स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर आपको पहले छींक आई, फिर खांसी हुई और फिर आपका गला खराब हुआ, तो पहले गला खराब जो हुआ था वो ठीक होएगा, फिर खांसी ठीक होएगी और फिर आपकी छींक जो है वो ठीक होएगी। इस तरह से रिवर्स प्रोसेस के अंदर ये चल रहा होता है, रिवर्स ऑर्डर में, ऑफ इट्स अपियरेंस फ्रॉम अबाउट टू डाउनवर्ड, फ्रॉम मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स। मतलब ये पहले मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स पर से उस डिजीज़ को ख़त्म करते करते फिर लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के ऊपर डिजीज़ को ख़त्म कर रहा होता है। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सिंगल रेमेडी। दिस लॉ डायरेक्ट्स टू चूज एंड एडमिनिस्टर सच एज अ सिंगल रेमेडी। वो ये नहीं कह रहे कि हम चार पांच दवाइयाँ एक साथ पकड़ा देंगे, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, नहीं। वो कह रहे हम सिंगल रेमेडी देंगे डिजीज़ को ठीक करने के लिए, विच इज़ मोर सिमिलर टू द सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स टू सिक पर्सन एट अ टाइम। और वो सिंगल मेडिसिन किसके बेस पर होगी कि वो जो सिक पर्सन है उस समय पर उसका कौन सा सिम्टम, कॉम्प्लेक्स सिम्टम उसमें दिखाई दे रहा है, उसके बेसिस पर हम एक मेडिसिन लेकर के देंगे, ये होम्योपैथी कहता है। तीसरा लॉ है मिनिमम डोज का लॉ, कि वो ये नहीं कह रहे खूब सारी दवाइयाँ आप लेते रहिए, नहीं, वो इवन एक ड्रॉप या दो ड्रॉप के साथ में वो कोशिश कर रहे होते हैं कि मेडिसिन को ठीक, वो बीमारी को ठीक कर सके। सिमिलर रेमेडी सेलेक्ट की जाती है सिक के लिए, वो प्रिस्क्राइब की जाती है मिनिमम डोज के अंदर, ताकि जब एडमिनिस्टर किया जाए तो कोई टॉक्सिक इफेक्ट उसका बॉडी पर ना पड़े। एडजस्ट एंड स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म, जैसा ये सारी पैथीज कर रही हैं कि बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को ये स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो इसमें बार बार फ्रीक्वेंटली इसको रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक दो बार आप लेंगे तब भी बीमारी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ इसका लॉ है लॉ ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ की थ्योरी ये कहती है कि जो मोस्ट ऑफ द डिजीज़ है वो तीन क्रॉनिक लेटेंट एफिनिटीज़ की वजह से हो रही है, जैसे सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस ह्यूमन बीइंग के अंदर।
जो कि नॉर्मली रिमेन डॉर्मेंट, ऐसे तो ये सुप्तावस्था में ये कंडीशंस पड़ी रहती है, पर जब एक्सप्रेस होती हैं तो इनके प्रेजेंस जो है व्हेन कंडक्टिव एनवायरमेंट फॉर डिजीज सच एज इरेगुलर लिविंग, कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू अनहेल्दी सिचुएशंस, के भाई अगर हम कंडक्टिव एनवायरमेंट्स में डिजीज वाले एनवायरमेंट से हम इरेगुलरली एक्सपोज हो रहे हैं, अनहेल्दी सिचुएशन से एक्सपोज हो रहे हैं, इमोशनल स्ट्रेस में रह रहे हैं, एटमोस्फेरिक इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को ओवरपावर कर देता है जिससे पर्सन बीमार हो जाता है। इसमें डायग्नोस कैसे किया जाता है, होलिस्टिक अप्रोच के बेसिस पर। डायग्नोस में हम पहले एक तो कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, कॉजेटिव फैक्टर्स के अंदर पल्स को एग्जामिन, आईज, बॉडी कलर, टंग, डाइजेस्ट सिस्टम, यूरिन वगैरह जो अभी तक हमने पढ़े थे। इसके अलावा प्रैक्टिशनर मेंटल, फिजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट पर भी ध्यान दे रहा होता है, लड़का है, लड़की है, मोटा है, पतला है, लंबा है, नाटा है, गोरा है, काला, इन सब चीज़ों के ऊपर ये फोकस कर रहे होते हैं। ट्रीटमेंट, ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे रहा होता है इंडिविजुअल में क्रॉनिक डिजीज, चाहे डायबिटीज़ हो, आर्थराइटिस हो, ब्रोंकियल एस्थमा हो, स्किन एलर्जिक, इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स, ट्यूमर जैसी कंडीशंस का भी इसमें ट्रीटमेंट। स्टोन के ट्रीटमेंट बहुत अच्छे अवेलेबल होते हैं होम्योपैथी के अंदर, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होम्योपैथी में हैं। इनकी रेमेडीज प्रिपेयर की जा रही होती हैं प्लांट से, एनिमल से, मेटल और मिनरल सबस्टांसेस से। बस इसके साथ ये आयुष कंप्लीट हो चुका है, तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। यहाँ पर ये टॉपिक आज के लिए इतना काफ़ी है भाई, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।